हेलो फ्रेंड्स दिस इज एसपी सिंग एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे तो डी फ्रेंड कल हम लोगों ने बात की थी शिक्षा के तकनीकी प्रिपेड जो पेपर था आपका थर्ड वन ठीक है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज, आज आपको देखने को मिले और आज हम बात करेंगे शिक्षा में नवाचार ठीक है इनोवेशन इन एजुकेशन जो पेपर आपका कल होने को है फोर्थ वन पेपर तो इसकी बात करते हैं ठीक है मंडे को पेपर है आपका ये इसके टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फाइव क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है नवाचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित कीजिए जो भी टॉपिक पढ़ें उसका अर्थ और परिभाषा तोते जैसे रट लें क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं कॉपी में और एग्जामिनर वहाँ पे पूरी कॉपी आपकी रीड नहीं करता है वो सिर्फ आपकी हेडिंग आपकी आपका अर्थ परिभाषाएं और जो जो की लाइंस हैं जो की वर्ड्स हैं या जो की पॉइंट्स हैं उनको वो देखता है उनके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं शिक्षा में नवाचारों की आवश्यकता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसका महत्व क्या है इस पर प्रकाश डालना है यहाँ से क्वेश्चन आपको हंड्रेड परसेंट देखने को मिलेगा नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएँ कौन कौन सी हैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए लॉन्ग प्रोसेस में मोस्टली पूर्वक ही आएगा और नवाचार को लाने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है यानी कि एजुकेशन किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है इनोवेशंस को लाने में ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है थर्ड वन नवाचार कक्षा से आप क्या समझते हैं नवाचार शिक्षा आपने पढ़ ली अब यहाँ पे बात है नवाचार कक्षा की ठीक है शिक्षण पद्धति के रूप में नाटक क्या है यहाँ पे आपको नवाचार शिक्षा कक्षा से आप क्या समझते हैं ये पॉइंट पढ़ लेना है और उसके बाद सेकंड वन है आपका शिक्षण पद्धति के रूप में नाटक क्या है शिक्षण मूल्यों में नाटक का क्या उपयोग है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्यावरण शिक्षा स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं है ना इसका अर्थ परिभाषा उद्देश्य महत्व विशेषताएं जो कुछ मिले पड़ डालिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता इसके लक्ष्य उद्देश्य पर भी आपको प्रकाश डालना है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में नवाचार के मामले पर विचार प्रकट कीजिए शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में है ना नवाचार के मामले पर विचार प्रकट करना है और विश्वविद्यालय शिक्षा के बदलते स्वरूप का भी वर्णन यहां पे आपको करना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है समावेशी शिक्षा क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं क्या समझते का मतलब है कि अर्थ परिभाषा आपको ज़रूर लिखनी है अपनी जेब से लिख देनी है ठीक है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं इनको आप वेल रीड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे उसके बाद वन क्वेश्चन कहता है नवीन प्रवृत्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए यानी कि नवीन प्रवृत्तियों का अर्थ बताना है है ना उसके बाद इसे परिभाषित भी करना है परिभाषा भी लिख देनी है परिभाषा लिखने का तरीका होता है कि जब आप यहाँ पे राइटर का नाम लिख रहे हैं कि, कि किसने परिभाषा कही है तो उसके जस्ट सामने से परिभाषा मत लिखिए आप ऐसे लिखिए यहाँ पे राइटर का नाम कि इन्होंने मान लिया अरस्तु ने यह बात कही है तो अब इसके बाद नीचे से लिखना शुरू करें कि ये बात इन्होंने ऐसे 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 कही है और इसको ऐसे इनवर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए ठीक है कुछ लोग करते हैं कि अरस्तु ने कही है तो अरस्तु ने यहाँ पे लिख देंगे और फिर जस्ट उसके सामने से परिभाषा लिखना शुरू कर देंगे ये तरीका ठीक नहीं है और अच्छा नहीं लगता है इसको आप नाम ब्लैक से लिखें और बाकी ब्लू से लिख दें ठीक है नवीन प्रवृत्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे परिभाषित कीजिए शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों के महत्व पर भी आपको प्रकाश डालना है एर्थ वन क्वेश्चन कहता है जन विज्ञान आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ इसके उद्देश्य क्या हैं इन पर आपको विस्तृत चर्चा करनी है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण परियोजना के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा आपको करनी है क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं या कई बार क्वेश्चन होता है शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं Uh, कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम से पूरा चैप्टर ही है एक और आपका यहाँ पे सिर्फ अवसरों की समानता क्वेश्चन दे दिया है शिक्षा के क्षेत्र में समानता के सूचक बताइए सहकारी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाओं की चर्चा करनी है आपको अवधारणा मानचित्र को भी समझाना है यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है एक तो सहकारी शिक्षा का अर्थ आपको बताना है उसकी परिभाषाएं बतानी है दूसरा क्वेश्चन है अवधारणा मानचित्र को भी समझाना है ठीक है अवधारणा जस्ट मोमेंट क्वेश्चन नीचे भी आपका यही अवधारणा मानचित्र के लाभ बताते हुए स्पष्ट कीजिए शिक्षण की अवधारणा संकल्पना विधि क्या है इस तरीके से और अब आता है आपका अलेवेंथ नंबर क्वेश्चन जो कि कहता है आंगनवाड़ी से आप क्या समझते हैं बेहतरीन क्वेश्चन है इसके कार्यक्रम की विस्तृत योजना का वर्णन कीजिए आपदा से क्या समझते हैं है ना प्राकृतिक आपदा मानवीय आपदा ये सब आपदाएँ होती हैं और इनसे आप क्या समझते हैं जब क्या समझते लग जाए तो अर्थ परिभाषा तो लिखना जाहिर सी बात हो जाती है आपदा से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए कौन से तरीके अपनाएं कि जो आपदाएं आती हैं इनसे हम बच पाएं विस्तार से इसका वर्णन कर देना है आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं और त्रिआयामी अधिगम क्या है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्री डी लर्निंग के नाम से भी इसको जानते हैं थ्री डी लर्निंग लिख करके भी क्वेश्चन आ सकता है अधिगम क्या है कक्षा शिक्षण में थ्री आयामी अधिगम की भूमिका पर प्रकाश आपको डालना होगा शिक्षक स्वायत्ता को परिभाषित कीजिए किसको शिक्षक स्वायत्ता को परिभाषित कीजिए स्वायत्ता क्यों महत्वपूर्ण है शिक्षक स्वायत्ता की आवश्यकता पर भी प्रकाश आपको डालना होगा और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन खुली शिक्षा ओपन एजुकेशन मुक्त शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अगर अर्थ पूछ रहा है तो क्या परिभाषा नहीं लिखेंगे बिना देखे लिख देंगे अपनी जेब से लिख देंगे इसके गुण और सीमाएं भी आपको बतानी होंगी और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन आपका जो पेपर थर्ड है आपका टेक्नोलॉजी उसमें भी क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालना है प्यारे दोस्तों ये मेरा दूसरा चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नहीं फॉलो किया तो कर लीजिए थैंक यू मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में